हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिद्धिज डेली इन्फो पर। रिद्धिज डेली इन्फो पे हम साइंस के अलग अलग क्लासेस के बहुत सारे टॉपिक्स को इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही आज एक टॉपिक फिर से हम लेकर आए हैं जो कि है क्लास 11th बायोलॉजी से, यूनिट 1 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। फटाफट हम एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं अपने इस वीडियो में, तो ध्यान रखिए मेरे साथ आधे घंटे तक जुड़े रहिए और अपनी एनसीईआरटी को फटाफट याद कर लीजिए। देखिए कैसे फटाफट रिवाइज होगी और समझ में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना पड़ेगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, पहली यूनिट का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो ये, जहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होना चाहिए। मतलब इस टॉपिक में उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करते हैं, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग के लिए डिफाइनिंग होते हैं, जो लाइफ को डिफाइन करते हैं। तो ऐसा ही सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ, ये बात बिल्कुल सही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इन दोनों को हम ग्रोथ कहते हैं। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो उनके पूरे लाइफ स्पैन में थ्रू आउट रहती है, जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ जो है सिर्फ सर्टेन एज तक हमें देखने को मिलती है। ये सेल डिवीजन से होती है दोनों में ग्रोथ, और सेल डिवीजन जो है ये कई बार एनिमल्स में भी क्या होता है कि जैसे कोई भी चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो सेल्स लॉस्ट हुई हैं वो वापस आ जाती हैं, तो ये भी सेल डिवीजन की ग्रोथ की वजह से ही होता है। तो सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अगर हम मल्टी सेलुलर के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें भी ग्रोथ कैसी होती है, सेल डिवीजन से। अब इसमें ये चीज एक हमें देखना है कि जो ज्यादातर मेजॉरिटी, हम कह रहे हैं ऑल नहीं कह रहे हैं, मेजॉरिटी कह रहे हैं, हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। लेकिन अगर हम एक चीज़ ये देखें कि अब ये ग्रोथ तो हो गया कि ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल डिवीजन से होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें भी सेल डिवीजन से होती है। हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ें हैं, कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही जैसी चीज़ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें भी देखी गई हैं जिसमें ग्रोथ हुई है। जैसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एग्जांपल्स उसके हैं माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंट्स। जैसे आप मानिए कि छोटा सा माउंटेन है, उसके हजारों सालों तक वो है और हवाएं चलती हैं, मिट्टी उड़ती है और वो मिट्टी आके माउंटेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि माउंटेन्स की साइज जो है वो ग्रो कर जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं। लेकिन क्या माउंटेन लिविंग हो गया है, तो नहीं, माउंटेन में ग्रोथ आई है लेकिन लिविंग तो वो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि माउंटेन्स में जो ग्रोथ है, नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है वो कैसे हुई है, एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है, क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर बाहर से कोई मटेरियल आके डिपॉजिट हुआ है। तो ग्रोथ तो है लेकिन कैसी है, एक्सटर्नल, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसी होती है, इंटरनल। तो ग्रोथ लिविंग के साथ नॉन लिविंग में भी होती है, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, चलिए डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक प्रोजेनी
को प्रोड्यूस करना, एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना जो कि अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखता है। अब दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई सारे तरीकों से होता है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप फंगस की बात करेंगे तो फंगस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, स्पोर्स से। और अगर हम ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग से। अगर हम प्लानेरिया या फ्लैटवर्म्स की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रीजनरेशन से। इसी तरह से अगर हम एल्गी फंगस है, जिस तरह जैसे अभी हमने फंगस के बारे में देखा, उसी तरह से फिलामेंटस एल्गी है या प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस है, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया, रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के जितने एग्जांपल्स हैं आपको याद रखना है, इजीली याद हो भी जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा की बात करें तो उनमें एक चीज है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस होती हैं, मतलब दोनों ही की तरीके एक जैसे हैं, दोनों ही चीज होने में सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। इसलिए अभी हमने ऊपर जैसे कि पढ़ा था कि हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में ऐसा नहीं है, ये सिनोनिमस होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इनमें मिलता जुलता होता है। अब क्या होता है, क्या बात आती है कि क्या हम रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं, तो देखिए नहीं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, म्यूल्स हैं जो कि डंकी और हॉर्स से बनता है, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, या कई सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इट डज नॉट मीन कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, रिप्रोडक्शन ना होते हुए भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं बोल सकते, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी नहीं है। क्लियर। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। हमारी बॉडी है, हमारे अंदर इस वक्त ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और यही होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जहां पे कोई प्रोडक्ट बॉडी में बनता है, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जहां पे बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं कोई चीजें उन्हें। तो अब हम आते हैं, क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चलते रहते हैं। तो वी कैन से द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो देखी गई वो क्या, कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर यानी बिना सेल के भी होते हुए देखा गया है। जब लेबोरेटरी में रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ सेल में नहीं होता है, जो रिएक्शन है लेबोरेटरी कंडीशन में सेल में नहीं हो रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है उसी तरह का जैसे हमारी बॉडी में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी के बाहर हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो इसलिए हम उस रिएक्शन को ये जरूर कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शंस तो बोल सकते हैं, लेकिन वो कोई लिविंग
थिंग नहीं होगी, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो लिविंग बॉडी में होता है वो लिविंग बॉडी के बाहर है, तो हम कह दे सकते हैं कि एक लिविंग रिएक्शन है जो कि बॉडी के बाहर हो रहा है। तो रिएक्शन अपने आप में लिविंग है, लेकिन वो थिंग जो है वो लिविंग थिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है, फोर्थ आप इसको क्राइटेरिया मान सकते हैं, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ लिया, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन लिया, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने मेटाबॉलिज्म लिया, ऐसे ही चौथा कैरेक्टरिस्टिक आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी की बॉडी सेल से बनी है तो उसको हम उसको भी एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग फॉर्म्स के बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, और अगर उस सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको लिविंग कहने के लिए जरूरी है। जैसे आप ये देखिए कि जब हम पेड़ से लकड़ियों को तोड़ के ले आते हैं और फर्नीचर बना लेते हैं तो वो सेल से ही बना, एक टेबल जो है लकड़ी का वो सेल से बना है, लेकिन हम टेबल को लिविंग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उस वक्त सेल्स में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जैसे सेल का होना जरूरी है लिविंग होने के लिए, उसी तरह से मेटाबॉलिज्म का होना भी जरूरी है। जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक अब हम डिस्कस करेंगे वो होता है कॉन्शियसनेस। तो फिफ्थ जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये वो एबिलिटी है जिससे हम अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं और या हम और उस स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये स्टिमुलस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल किसी भी तरह से हो सकता है। मतलब एक स्टिमुलस मिलना, बदले में उसको रिस्पॉन्ड करना, ये क्या होता है? कॉन्शियसनेस होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इस तरह की ढेर सारी चीजों को। इवन प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू पॉल्यूटेंट्स, है ना? आप जब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला एक टॉपिक तो उसमें देखा भी है हमने कि किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो ये कि, और जो अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें, मतलब एनिमल्स या कोई भी, तो हर कोई कॉन्शियसनेस रखता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जहाँ पे फोटोपीरियड्स, लाइट का इफेक्ट उनके रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि कॉन्शियसनेस का मतलब अपने आसपास की जो स्टिमुलस है उसको लेना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देना। तो ये हमें देखने को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। हाँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अवेयरनेस है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, लेकिन कॉन्शियसनेस होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। इसलिए वी कैन से कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जब ह्यूमन बीइंग्स की बात आई है तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है जब कोमा पेशेंट्स की बात होती है कि कोमा पेशेंट्स को क्या कहा जाए, इन्हें लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग। ये तो है कि कोमा पेशेंट्स कोमा में हैं, मतलब उनका ब्रेन डेड है, बट देयर हार्ट इज स्टिल वर्किंग। ब्रेन डेड होने की वजह से दे डोंट हैव एनी सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन क्या होता है, बहुत रेयर ही सही, कई बार कोमा पेशेंट्स जो हैं कोमा से बाहर भी आ जाते हैं और देन दे कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो हम कोमा पेशेंट्स को लिविंग ही मानते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्शियसनेस होती है। ये है कि वो हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन होती है, तभी तो वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते हैं। या इसके अलावा ऐसा बोलते भी हैं कुछ मूवीज में, ऐसा दिखाते हैं भी हैं कि भाई कोमा पेशेंट्स के सामने आप अच्छी अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि वो लोग सुनते तो हैं, शायद आपकी बात सुन के वो जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो है उनके अंदर लेकिन थोड़ी कम है। तो इसलिए कोमा पेशेंट्स को हम डेड नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट। वैसे आपको ये चीजें हायर क्लासेस में डिटेल में पता चलेंगी कि जो भी हमारी लाइफ
लिविंग चीजें जितनी भी हमारे अंदर होती हैं, ये एक्चुअल में हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और उनके इंटरैक्शंस पे डिपेंड करता है हमारा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारी बॉडी केमिकल्स से बनी है और इन केमिकल्स से केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, और उस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में फंक्शंस किस तरह से होंगे। तो सिंपल सा जो आपको याद रखना है वो ये कि कोई भी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से सेल या बॉडी या ऑर्गन फंक्शन करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया और लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग कर लिया। तो जब अलग किया तो क्या देखा कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी वैरायटी, इसको कहा गया बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी ये टर्म है जिससे पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी यानी वैरायटी, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी है। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक इजी वे निकाला कि कैसे इसकी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के साथ एक चीज और आप देखते हैं कि एक ही चीज को हम अलग अलग जगहों, अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे आलू को बटाटा बोलेंगे, कहीं पे आलू बोलेंगे, इंग्लिश में पोटैटो, कहीं पे पटैटो बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो साइंटिस्ट के बीच में ये चीज नहीं चलती, तो इसलिए उनको लगा कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर साइंटिफिक नेम दें। तो साइंटिस्ट ने जो नेम्स दिए, साइंटिफिक नेम्स, उस नाम नेमिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमन क्लेचर। ठीक है, और नॉमन क्लेचर करने, नॉमन क्लेचर आपको टर्म का मीनिंग मालूम रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है नॉमन क्लेचर के साथ साथ और भी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको ये मैं सीक्वेंस में बताऊंगी क्या होता है। तो खैर, नाम देने के लिए अब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीजों का नाम देते हैं। तो जब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीजों का नाम देते हैं, तो कुछ सर्टेन, एक तरह से बोलना चाहिए हमें, रूल्स जैसे कुछ बना दिए गए थे जो कि साइंटिफिक नेम करते समय फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही आईसीबीएन, ICBN यानी ये बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर के लिए बनाया गया था। किसी प्लांट को आपको नाम देना है तो आप इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर जो है उसमें पढ़िए कि कैसे नाम देना है, क्या नाम देना है, और फिर दे सकते हैं। इसी तरह से जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर के लिए क्या बनाया गया था, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। तो नेमिंग क्यों की गई, ताकि सब जगह साइंटिस्ट के बीच में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम से जाना जा सके। लेकिन नाम देने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो कि अगर प्लांट का नाम देना है तो आपको ICBN देखना है, और एनिमल का नाम देना है तो ICZN होता है। ठीक है, फुल फॉर्म्स याद रखना है इसका। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये साइंटिफिक नेम के कुछ और रूल्स हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नेम किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक कॉमन एग्जाम्पल कंसीडर है वो है मैंगी फेरा इंडिका। ये किसका नाम है, सब जानते होंगे जरूर, मैंगो का नाम है ना। तो ये यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो है दो वर्ड्स से बना है, मैंगी फेरा एक वर्ड, इंडिका दूसरा वर्ड। इसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होते हैं, तो दो वर्ड्स में जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा, वो जेनेरिक नेम होता है, और जो दूसरा वर्ड है इंडिका, वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, तो ईच नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, और दोनों को मिला के हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। इस दो वर्ड्स का है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम जो है किसने सजेस्ट किया था, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ही बताया था कि इस तरह से साइंटिफिक नेम देना चाहिए, दो वर्ड का फॉर्मेट होता है। तो मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। अब इसके जो और यूनिवर्सल रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के, वो देखिए। सबसे पहला, बाइनोमियल नॉम जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होना चाहिए, और वो इटैलिक्स में
छपना प्रिंट होना चाहिए, जैसे दिख रहा है ये आपको मैंगी फेरा इंडिका इटैलिक्स में। अगर लैटिन नहीं है तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है पहला रूल कि लैटिन में हो और जब भी प्रिंट हो तो वो इटैलिक्स में हो। फर्स्ट नेम जो है वो जीनस का होता है और सेकेंड जो है वो स्पीशीज का या स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जो दोनों वर्ड्स हैं इसमें बायोलॉजिकल नेम में, उस अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देना चाहिए। जैसे मैग्नीफेरा को नीचे आपने अंडरलाइन किया, फिर स्पेस देंगे और इंडिका को अलग से करेंगे, एक साथ एम से लेके इंडिका के ए तक एक साथ आप नहीं करेंगे। और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, इससे इनका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट होता है। और नेक्स्ट जो फोर्थ रूल हम इसका पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सल रूल, वो ये कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और स्पीशीज का हमेशा कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल। देखिए मैंगीफेरा का पहला लेटर कैसा है, कैपिटल एम है ना, और स्पीशीज का कैसा दिख रहा है आपको पहला लेटर, स्मॉल लेटर आई। जबकि हम जब हमारा अपना नाम लिखते हैं तो नेम और सरनेम दोनों का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज ये है कि अगर आप स्पेसिफिक एपिथेट के लास्ट में जिस भी ऑथर ने नाम दिया है, जो भी ऑथर है उसका नाम आप एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, और शॉर्ट फॉर्म में किसका नाम लिखा है, एल आई एन डबल एन लीनियस का। तो लेकिन लीनियस का जो नाम है वो अगर आप ध्यान देंगे तो लीनियस का नाम जो है वो इटैलिक्स नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान देना है कि आप चाहें तो साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसे इटैलिक्स करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट नाम देता है उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये नेमिंग के लिए रूल्स हुए कि नेमिंग करी ताकि ये प्रॉब्लम एक सॉर्ट हो, ठीक है। अब क्या होता है कि एक ये चीज होती है कि भाई इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो साइंटिस्ट को लगा कि हम इनके ग्रुप्स बना दें। जैसे अगर एक टीचर क्लास में 50-100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो एक घंटे में सभी बच्चों को पढ़ा देता है, लेकिन अगर वो सोचे कि एक एक बच्चे को पढ़ाएगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो ग्रुप में चीजों को इजी करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना देते हैं ताकि हम इजीली स्टडीज कर सकें, और ग्रुप बनाने को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। लेकिन एक और पॉइंट याद रखना, ये इसको कैटेगरीज में डालते हैं और किस बेसिस पे ग्रुप बनाते हैं, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी क्योंकि आप ग्रुप बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक ग्रुप में सिमिलर ऑर्गेनिज्म साथ में आए, डिससिमिलर ऑर्गेनिज्म साथ में आए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल हो उन्हें कंसीडर करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, आइडेंटिफाई करना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको देख के आप पता कर सकते हैं ये प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ ले लें, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तो इसको हम सबको मिला के क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके सामने कोई हम ऑर्गेनिज्म दे दें और कहें इसको टैक्सोनॉमी, इसकी टैक्सोनॉमी बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्लांट एनिमल है या फंगस है, क्या है, उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, पर्टिकुलर ग्रुप में उसको प्लेस करना पड़ेगा आपको, और आप उसका नॉमनक्लेचर नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी के जो है बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस एनसीईआरटी में इस तरह से लिखी है इसलिए हम आपको ये सीक्वेंस बता रहे हैं, वरना क्या होता है कि नॉमनक्लेचर के बाद जो है क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये होती है, तो ये चीज एक चीज ये आएगी यहाँ पर
कि जहां एक और टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी तो आपको क्लियर है कि उसमें अगर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर आ जाए। अब लेकिन ह्यूमंस जो है किसी भी चीज की ज्यादा, बहुत ज्यादा स्टडी करना चाहता है। तो अगर ये इसमें क्या होता है, जब टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी करते करते अगर हम ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप्स भी जानने लगे कि उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, क्या वो आपस में किसी कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीजें अगर हम कंसीडर कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे देखिए, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो रिलेशनशिप्स अमंग देम। तो अगर आप जो ऑर्गेनिजम्स मालूम चले उनके रिलेशनशिप्स की, भाई ये इनके कॉमन एंसेस्टर हैं तो ये लोग शायद आपस में रिलेटेड होंगे, तो इन चीज़ों को भी अगर इनके रिलेशनशिप्स को कंसिडर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ओके, तो सिस्टमैटिक्स क्लियर जब हम रिलेशनशिप्स को कंसीडर करें, और टैक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। ओके, अब लीनियस जो है इन्होंने एक पब्लिकेशन दिया था, इनकी एक था पब्लिकेशन जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, सिस्टेमा नेचर। याद रखना है सिस्टेमा नेचर किसका पब्लिकेशन है, लीनियस का। तो सिस्टेमा वर्ड से ही ये वर्ड आया था। ओके, अब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करता है। तो सिस्टमैटिक्स जो है एक तरह से एनलार्ज कर देता है, जो स्टडीज हैं उसको ज्यादा बढ़ा लेता है, ठीक। तो ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीन चीजें हैं जो कि टैक्सोनॉमी होती हैं। और इसमें सिस्टमैटिक्स में बाद में क्या किया गया था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स तो पढ़ना ही है, लेकिन ये टैक्सोनॉमी वाली चीजें भी इंक्लूड करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें हम ये बताते हैं कि भाई अब साइंटिस्ट ने लिविंग नॉन लिविंग को अलग कर लिया, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ढेर सारे मिल गए और उसके ग्रुप्स उन्हें बनाना है। तो ग्रुप्स बनाने के लिए उन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई और उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को उन्होंने एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया, इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हर एक कैटेगरी जो होती है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रेफर करते हैं, इनफैक्ट दे रिप्रेजेंट्स अ रैंक, और इसको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, टैक्सोन या टैक्सा। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हर कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या रैंक रिप्रेजेंट करती है, हर कैटेगरी को हम टैक्सोन बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जैसे कौन सा ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप जिस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनके पास 3 pairs ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। तो इट मींस इंसेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जॉइंटेड लेग्स वाले, तो जिनके पास भी जॉइंटेड लेग्स हैं उनको सबको क्या कह दिया जाता है, इंसेक्ट्स। और अब हम इन्हें एक रैंक या कैटेगरी दे देंगे, ठीक है। और कैटेगरी रैंक वही एक ही चीज हो गई ना, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और ईच रैंक को ही हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोन या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो और आगे आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये जो होते हैं, जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज होती हैं, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते। टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होते हैं इनमें जो इतनी कैटेगरीज कंसीडर की जाती हैं वो हैं किंगडम, अगर एनिमल्स हैं तो दूसरा आएगा फाइलम, प्लांट्स हैं तो डिवीजन, और फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनकी सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इनकी सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ। आप कैसे याद करेंगे, सबका इनिशियल ले लेंगे पहला लेटर और करेंगे कल्लू, पहलवान, कैन ऑर्डर फॉर गरम समोसा,
कल्लू किंगडम पहलवान फाइलम कैन क्लास ऑर्डर ऑर्डर फॉर फैमिली गरम जीनस समोसा स्पीशीज। तो इस तरह से जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसको अलग अलग ग्रुप कर दें। जैसे अगर हम कंट्री डिवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है हम कंट्री में एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा ले लिया। फिर अगर हमने इंडिया की बात करी फिर हम नेक्स्ट लेवल क्या है कैटेगरी का आता है स्टेट्स। फिर हमने अलग अलग स्टेट्स डिवाइड कर दिए महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार इस तरह से। फिर हर स्टेट में भी हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं। तो उसी तरह से बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे ये हायरार्की चलती है 7 कैटेगरीज की। ठीक है, अब इन 7 कैटेगरीज की हायरार्की में क्या आता है अगर हम नीचे से सबसे जो बेसिक सी कैटेगरीज है सबसे पहले स्पीशीज। तो अगर हम स्पीशीज को नाप करके हम किंगडम से पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है किंगडम, फिर फाइलम एनिमल्स हैं तो डिवीजन प्लांट्स हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में एक हायरार्कियल अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। असेंडिंग क्यों है क्योंकि ये स्पीशीज सबसे छोटी है और किंगडम बड़ा है, तो एरो जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो चलो किंगडम, किंगडम क्या है मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज, जैसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ आपको, बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके क्या बनाया है कंट्री, है ना। तो उसी तरह से हम ये बोलते हैं बहुत सारी स्पीशीज ने मिलके क्या बनाया है एक जीनस, बहुत सारी जीनस ने मिलके क्या बनाएंगे एक फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बनाएंगी ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके क्या बनाएंगे क्लास, और बहुत सारे सिमिलर क्लासेस मिलके क्या बनाएंगे फाइलम या डिवीजन, और इसी तरह से बहुत सारे फाइलम मिलके क्या बनाएंगे किंगडम। तो किंगडम जो है एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वेरियस फाइलम या वेरियस डिवीजन्स आते हैं। जैसे अब किंगडम के एग्जांपल यहाँ पे याद रखिए, ऐसे तो 5 किंगडम्स होते हैं आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जो दिए वो पहले याद रखिए किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट। अब इसी तरह से हम देखें तो फाइलम किससे बना होगा बहुत सारे क्लासेस से, तो क्लासेस के क्या एग्जांपल्स हैं फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स, है ना। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने और ये मैमल्स और इन्होंने मिलके एक फाइलम बनाया है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है यहाँ पे अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें तो जो एग्जाम्पल्स पहले यहाँ पे है ना आप उसको अच्छे से याद रखिए। तो पहले आप एनिमल्स से ये एग्जाम्पल कर लीजिए कि क्लासेस हैं फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स, इन्होंने कौन सा फाइलम बनाया है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हुए, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल न्यूरल सिस्टम। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स, क्योंकि प्लांट किंगडम प्लांटी क्या है किंगडम है, इसमें क्या है बहुत सारे क्या होंगे किंगडम प्लांटी है तो उसमें बहुत सारे क्योंकि प्लांट है तो क्या होगा डिवीजन होगा, है ना। तो प्लांट्स में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दिया तो अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी। अब क्लास, क्लास किससे बना होगा बहुत सारे ऑर्डर्स से, तो रिलेटेड ऑर्डर्स से मिलके क्या बना होगा एक क्लास। तो यहाँ पे कौन से ऑर्डर है एग्जाम्पल में प्राइमेटा, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर इन्होंने मंकी गोरिल्ला गिबन जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा जिसके अंदर टाइगर कैट डॉग जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो प्राइमेटा और कार्निवोरा ऑर्डर ने मिलके कौन सा क्लास बनाया है मैमेलिया। मैमेलिया में और भी ऑर्डर्स हैं लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी दो ले लिए हैं, तो हम कह सकते हैं प्राइमेटा प्लस कार्निवोरा दे आर ऑर्डर्स एंड ऑल्सो अदर ऑर्डर्स मिलके क्या बनाया है मैमेलिया जो क्लास है। चलिए अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डर, ऑर्डर खुद किससे बना है देखो जरा देख के बताओ, बहुत सारी फैमिलीज से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्डर बहुत सारी फैमिलीज से बना है, तो क्या एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है प्लांट से दिया है कि प्लांट की जो फैमिलीज हैं जैसे कॉर्न बल्ब्यूलेसी और सोलेनेसी ये किस ऑर्डर में रखी गई है पॉलीमोनियल्स, और मेनली ये किस पे बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स, ध्यान रखना है बेटा कि फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। इसी तरह से जैसे एनिमल्स का भी एक एग्जांपल दिया है कि जो इसमें ऑर्डर कार्निवोरा है, कार्निवोरा इज द ऑर्डर दैट इंक्लूड्स द फैमिली फेलिडी और कैंसिटी। ठीक है, चलिए आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। फैमिली, फैमिली किससे बना है अब आप बता सकते हो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनेरा।
ठीक है। फैमिलीज के कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड दोनों वेजिटेटिव और सेक्सुअल फीचर्स पे। इन केस अगर हम प्लांट्स स्पीशीज की बात करें तो वहां पे फैमिलीज में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से जीनस हैं यहाँ पे, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, और इन्होंने कौन सी फैमिली बना दी, सोलेनेसी। इसी तरह से यहाँ पे एनिमल्स का एग्जाम्पल है कि पैंथेरा, पैंथेरा एक ऐसा जीनस है जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, और फैलिस दूसरा जीनस है जो कैट्स का है, इन्होंने कौन सी फैमिली बनाई है, फैलिडी। तो एक एग्जाम्पल आपको हो गया ये फैलिडी फैमिली का, और एक एग्जाम्पल आपने कर लिया सोलेनेसी का, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप एक एक दो दो एग्जाम्पल्स दिए वो करते चलिए। नेक्स्ट आता है जीनस। जीनस किससे बना है बताओ बताओ जल्दी जल्दी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कौन कौन से, अब हम देखें एग्जाम्पल्स हमें दिए, जो याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जीनस कौन सा है, सोलेनम, और सोलेनम के अंदर कौन कौन से प्लांट्स का जीनस होता है, सोलेनम, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। सबका नाम जीनस में सोलेनम होगा और आगे अलग अलग नाम होता है, सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ऐसे अलग अलग। इसी तरह से एनिमल्स का एक एग्जाम्पल दिया है जीनस पैंथेरा, पैंथेरा के अंदर लायन, लेपर्ड और टाइगर है। तो जीनस देखो तीनों का सेम है, बस स्पीशीज का नाम बदल गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स यहाँ दिए। नेक्स्ट स्पीशीज। अब स्पीशीज जो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्पीशीज के नीचे हमने इस तरह की कोई कैटेगरीज नहीं पढ़ी है। तो स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पीशीज को अलग अलग साइंटिस्ट ने वैसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल बात है स्पीशीज के लिए वो ये कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एक स्पीशीज का मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दें, लेकिन ये सब कहाँ हो, इन नेचुरल कंडीशंस, ये नेचुरल कंडीशंस में होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपको स्पीशीज ऐसे मेंबर्स होते हैं। स्पीशीज के एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंगो का नाम दिया है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा तो जीनस हो गया, इंडिका स्पीशीज, सोलेनम ट्यूब्रोसम, पैंथेरा लियो, तो इसमें स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट्स बाद वाले वर्ड्स है और पहले वाले सब जीनस है, ठीक है। इसी तरह से मैन का या ह्यूमन बींग का नाम भी है होमो सेपियंस, ठीक है। और भी स्पीशीज सोलेनम के साथ आती है, एक सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मिलोंजिना, ये अलग अलग, ठीक। तो ये आप सारे एग्जाम्पल्स जितने मेंशन हैं इतने याद करना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले कम से कम आप लोग इतने याद कर लेना, ठीक। लेकिन अब जो हमारे साथ एक और चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं या किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं, तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंसीडर करते हैं वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। मतलब वी कैन से कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं गोज ऑन, कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। एंड लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेंबर्स विद इन शेयर। मतलब जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक सेम था कि भाई हमने कहा कि जैसे सबसे पहले हमने लिविंग नॉन लिविंग को अलग किया, तो हमने उसको सब में ग्रोथ है, सब में मेटाबॉलिज्म है, सब सेल से बने हैं, तो हमने लिविंग नॉन लिविंग को अलग कर लिया। फिर लिविंग में भी हमने कैटेगरीज करी, तो जैसे जैसे हम कैटेगराइजेशन में नीचे की तरफ आएंगे ये जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये एक चीज है जो आपको याद रखना है। हाँ, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये जो टेबल 1.1 है इसमें ये चार आपको दिए हैं ऑर्गेनिजम्स जिसकी पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको या पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की याद रखना है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर
आपको इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक चाहिए तो मैं अपना एक वीडियो इसके ट्रिक्स के लिए बनाऊंगी, आप उसे वहां पे देखना, तो आपको ये चीज फटाफट याद हो जाएगी। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगर हमें किसी चीज की टैक्सोनॉमी करनी है तो कुछ चीजों की जो हेल्प लगती है उनको हम क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज करने के लिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, एक शीट होती है, स्पेसिफिक साइज होता है उसका, जिसपे हम प्लांट्स को, प्लांट के पार्ट को लेके, ड्राइड प्लांट पार्ट को लेके सुखा देते हैं, सुखा के चिपका देते हैं। क्या होता है कि कुछ न्यूज़पेपर्स हमने लिए, उसके ऊपर हमने प्लांट का पार्ट रखा और प्लांट के पार्ट को हमने रख दिया ऊपर से और न्यूज़पेपर रख दिया और वजन रख के दबा दिया। इस तरह का प्रोसेस हम 2-3 दिन तक लगातार करते हैं और फिर क्या होता है, जब प्लांट का पार्ट अच्छे से सूख जाता है तो उसको अपनी शीट पे लेके अच्छे से चिपका देते हैं ड्राइड पार्ट को, और नीचे एक लेबल लगा के कुछ बेसिक डिटेल्स लिखते हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है, एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे प्लांट स्पेसिमेंस को रखा जाता है। ऐसे प्लांट स्पेसिमेंस जो कि ड्राइड है, प्रेस है और प्रिजर्व्ड, हम कुछ उस पे केमिकल भी डालते हैं ताकि वो प्लांट का पार्ट उस शीट पे खराब ना हो जाए, कोई फंगस या बैक्टीरिया वगैरह उसे खराब ना कर दे। इन शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ये जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं ये अरेंज्ड है, बहुत सारी ये शीट्स दिख रही हैं, ये सूखे हुए प्लांट के पार्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद ये जो स्पेसिमेंस हैं इन्हीं को हम हर्बेरियम शीट्स कहते हैं, मतलब ये जो शीट बनाई है इसको हम हर्बेरियम कहते हैं। और ये हर्बेरियम शीट्स पे मैंने आपको बताया एक लेबल होता है जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से आपने लिया, कब लिया स्पेसिमेन, उस चीज, जो चीज, जो प्लांट आपने लगाया स्पेसिमेन का उसका इंग्लिश लोकल बोटैनिकल नेम, उसकी फैमिली, किसने कलेक्ट किया है, ये और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। हर्बेरियम शीट्स जहाँ पे होती हैं उसे हम हर्बेरिया कहते हैं, और इसे कहा जाता है कि ये क्विक रेफरल सिस्टम होता है, फटाफट से आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन दूसरा टैक्सोनॉमिक एड है। जिस तरह से जानवरों के लिए जू बनता है, इसी तरह से प्लांट्स जहाँ पे लिविंग होते हैं उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स। ठीक है, इसमें जब आप बोटैनिकल गार्डन पे विजिट करते हैं तो प्लांट के आसपास में या प्लांट पर एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है जिसपे कुछ कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है, प्लांट का बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, थोड़ा किसी किसी गार्डन में कई बार उसका यूजेस वगैरह भी रहता है। ढेर सारे बोटैनिकल गार्डन है पूरे देश या देश के बाहर दुनिया भर में। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे एक क्यू इंग्लैंड में, दूसरा है हावड़ा में इंडिया में इंडियन बोटैनिकल गार्डन, और लखनऊ में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल्स इतने तो याद रखो। नेक्स्ट म्यूजियम। म्यूजियम हिस्ट्री वाले म्यूजियम होते हैं जहाँ पे क्या होता है, राजा महाराजाओं के बहुत सारे कपड़े, उनके वेपन्स, उन और भी बहुत सारी चीजें उन राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई वहाँ पे रखी रहती है। लेकिन यहाँ पे हम बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जुड़ी हुई कुछ चीजें रखी होंगी, तो वो क्या होंगी, तो वहाँ पे कुछ प्रिजर्व्ड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जिनको स्टडीज के लिए रखा जाता है, रेफरेंस के लिए रखा जाता है। ये स्पेसिमेंस को कंटेनर्स या जार्स में रखते हैं और साथ में एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल देते हैं। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस को कई बार ड्राई, उनको भी ड्राई करके भी रखते हैं, जैसा पॉसिबल हो, जो भी चीज है या तो सॉल्यूशन में रख सकते हैं या ड्राई करके रख सकते हैं। अगर इंसेक्ट्स को रख रहे हैं तो इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, लेकिन इंसेक्ट को कलेक्ट करके, उसे किल करके और फिर उसे पिन करके रख लिया जाता है। अगर बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स, तो उनको स्टफ करके, उनकी स्किन में को लेकर और उसके अंदर स्टफ करके
रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो म्यूजियम में प्लांट एनिमल्स सबको रख सकते हैं। म्यूजियम्स में हमें एनिमल स्केलेटन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क्स, ये तो आप सब जानते हैं, जिसे हम कॉमनली जू के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन केयर के अंडर में बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर हमें जानने को मिलता है। बच्चों को म्यूजियम जाने में बहुत मजा आता है ना। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कीज। कीज क्या होती हैं? कीज एक्चुअली की वर्ड जो है ना, कंप्यूटर की होती है, ताला चाबी वाली की होती है, की कई जगह यूज होता है वर्ड। यहाँ पे जो कीज है इसमें क्या होता है, ये एक तरह से रिटन इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ ये भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए होती है। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों पर बेस्ड होती है। ये कीज में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं और ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे होते हैं, पेयर में होते हैं, और उन पेयर को हम क्या कहते हैं, कपलेट। अक्सर ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये दो अपोजिट होते हैं, अपोजिट टाइप के लिखे होते हैं, जिसमें से हमें कोई एक को चूज करना होता है, ठीक है। और एक एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, लेट। एक स्टेटमेंट को लेट कहते हैं, पेयर में है तो कपलेट होते हैं। कीज अलग अलग टाइप्स के होते हैं वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस हमें यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जानना है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की कीज होती हैं। फैमिली के लिए या जीनस के लिए या स्पीशीज के लिए अलग अलग तरह की कीज होती हैं। कीज को कहा जाता है जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसमें हमें एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे मुझे एक फूल मिल गया और मुझे मेरी मैम ने कहा या सर ने कहा कि पता करके आओ इस फूल की फैमिली क्या है, तो मैं उस फ्लावर को देख कर एक की लूंगी और उस पर वो कैरेक्टरिस्टिक स्टिक करूंगी। जैसे उसमें बहुत सारे कपलेट्स होंगे, लिखा होगा फ्लावर रेड कलर का है या अदर देन रेड, पेटल्स 5 से ज्यादा हैं या कम, तो देखो आप दो दो कैरेक्टर्स अपोजिट अपोजिट से हैं। तो ये हम कर सकते हैं और फिर हम टिक करेंगे अपने फ्लावर को देख के, और लास्ट में हमें ये हमने एनालिसिस किया, हमें सब कुछ पका पकाया नहीं मिला, एनालिसिस करके हम लास्ट में देख सकते हैं, तो हमें वहां पे दिख जाएगा कि अगर आपका फ्लावर रेड है और उसमें पेटल्स 5 हैं या 5 से ज्यादा हैं, व्हाटएवर, तो आपका फ्लावर ए है या बी है। इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि वो किस फैमिली का हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, जैसे फ्लोरा है, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फ्लोरा है, फ्लोरा में क्या चीज होती है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ्लोरा में हैबिटेट, प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात की जाती है। किसी भी गिवन एरिया में प्लांट्स का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से किसी भी एरिया के लिए प्लांट्स की स्पीशीज की इंडेक्स होती है। हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में किस तरह के प्लांट्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स जो हैं, ये भी किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये मेनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमें किसी एरिया में, ये भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, जैसे कि मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। कि किसी भी एरिया के लिए हमें जब ये आइडेंटिटी, वहाँ पे जो स्पीशीज हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए इंफॉर्मेशन कौन देते हैं, मैनुअल्स। और मोनोग्राफ्स होते हैं ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड जहाँ पे एक ही टैक्सोन की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, मुझे किसी एक ही ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जहाँ पे होगी उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ। और एक आता है कैटलॉग, जो यहाँ नाम है लेकिन डिस्क्राइब्ड तो नहीं है। कैटलॉग बेसिकली वो भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हमें स्पीशीज का मालूम चल जाता है। मतलब ये इसी तरह का स्पीशीज का कैटलॉग है, जैसे आप अगर मानिए कोई पेंट लेने गए हैं, तो एक पेंट का आपको कैटलॉग दिखा देते हैं जिसमें रेड के शेड्स एक तरफ हैं, ग्रीन के शेड्स एक तरफ हैं, लाइट या डार्क, डार्क टू लाइट, वॉट एवर। तो इसी तरह से ना कैटलॉग्स होते हैं जिसमें हमें इस तरह से स्पीशीज के जो हैं अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं।
तो आपका एनसीईआरटी का रिवीजन पूरी तरह से हो चुका है, एक बार रीड करिएगा पूरे बुक को, और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे जरूर पूछना, और हम अगला चैप्टर रिवाइज करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगी उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।